यह कहानी है भूतिया अस्पताल की। सलमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। वे लोग रोज रात को खाना खाने के बाद अपने दादाजी से कहानियां सुना करते थे। उसके दादाजी भी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। इससे उनका भी मन लगा रहता था। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक भूत वाली डरावनी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि मैं आज तुम लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी हमारे जमाने की एक अस्पताल की है जो करीबन 200 साल पुराना था। उस भूतिया अस्पताल के ठीक बगल में ही एक कब्रिस्तान था। उस अस्पताल में आज से 80 साल पहले एक लड़की तड़प तड़प कर कर गई थी और मरने के बाद भूत बनकर हर दिन किसी न किसी को मारती थी। रात के समय में जो भी उस रास्ते से होकर जाता था वो कभी भी वापस अपने घर नहीं जाता था। एक दिन हमारे गांव के दो लड़के नीरज और गोलू बाजार कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। वे दोनों साइकिल से थे और घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई थी। गोलू ने नीरज से कहा कि भूतिया हॉस्पिटल वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी नीरज ने कहा, नहीं भाई, उस रास्ते से जाना सही नहीं होगा, उस रास्ते में भूत रहता है। गोलू बिल्कुल भी भूत में विश्वास नहीं करता था और नीरज को जिद करके उस रास्ते पर चलने के लिए कहने लगा। नीरज उसकी बात मान ली और दोनों अस्पताल वाले रास्ते में चल दिए। उस समय रात के 10 बज चुके थे। भगवान का नाम लेकर वे दोनों उस रास्ते पर चल दिए। चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे दोनों आगे गए, रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ था। अंधेरे में उन लोग को दिखाई नहीं दिया और साइकिल लेकर वे दोनों गिर गए। थोड़ी बहुत चोट लग गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से अपना साइकिल उठाया और गांव की ओर चल दिए, क्योंकि भूत का डर भी था कि कहीं से आ न जाए। वे लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन लोग के साइकिल का टायर पंचर हो गया। नीरज बोला, भाई मुझे तो लग रहा है इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। लेकिन गोला बोला, बोला ऐसा कुछ नहीं, चलो चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर गए तो किसी छोटे बच्चे की रोने आवाज सुनाई देने लगी। इस बार गोलू भी बहुत डर गया था। उसने नीरज से कहा, तुम्हें किसी बच्चे की रोने आवाज सुनाई दे रही है क्या? नीरज बोला, नहीं भाई, लगता है किसी जानवर के रोने की आवाज होगी। फिर उस आवाज को अनसुनी करके दोनों आगे चल दिए। कुछ देर बाद फिर वो आवाज सुनाई देने लगी। दोनों एकदम बुरी तरह से डर गए थे और वे लोग अपना कदम तेजी से गांव की ओर बढ़ाने लगे। थोड़ा आगे चलने पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल, सफेद साड़ी और डरावनी आंखें थी। उसे इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उन लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का सोचा, तभी वो बुढ़िया आवाज लगाई, रुको बेटा, मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम लोग मुझे उस हाईवे तक का रास्ता दिखा दोगे क्या? उन लोग ने डरते डरते उस बूढ़ी औरत के नजदीक जाकर उससे पूछते हैं,
कहां से आ रही है आप, वो भी इतनी रात को? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ, मेरे पास कोई भी साधन नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही चल पड़ी। अब रात हो गई है और अंधेरा भी छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। तुम लोग मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन दोनों ने उस बुढ़िया के बात पर विश्वास कर लिया और उसे अपने साथ लेकर निकल पड़े। नीरज और गोलू आगे थे और वो बुढ़िया पीछे चल रही थी। रास्ते में वो बूढ़ी औरत उन लोग से सारी बातें पूछने लगी कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो। फिर ऐसे ही बातें पूछते पूछते उन लोग को दूसरे रास्ते में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग तो पहले से डरे हुए थे। रात भी बहुत हो गई और उन लोग को जल्दी अपने घर भी जाना था, इसलिए बुढ़िया के बात का ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद नीरज बोला, लो दादी, आपका गांव आ गया, अब आप अपने घर चले जाइए। और वो जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो दोनों की हालत खराब हो गई, डर के मारे थर थर कांपने लगे और वही अपना साइकिल पटका और दौड़ कर भागने लगे। भागते भागते भूतिया अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। रात के 12:30 बज चुका था। वे लोग पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर जल्दी से अपने घर चले गए। उन लोग को लेकर घर वाले भी बहुत परेशान और चिंतित थे। फिर उन दोनों ने अपने घर वाले को सारी बातें बताई जो उनके साथ हुआ था, और तब से रात के समय में उस रास्ते से कभी नहीं जाने का फैसला किया।